अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा ना तो हो सकता है कि ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन से आप डिसक्वालीफाई हो जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। जैसा बताया कि आपको कि कंपटीशन अपने पिक पे आ चुका है और हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 1 वीक। तो 1 वीक में बहुत सारे एंट्रीज आ चुके हैं और आने भी वाले हैं, तो अभी तो शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट ये है ना कि जिसके कारण बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और हो भी चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये अपडेट इसलिए लेके आया हूँ कि आप लोगों में से कोई डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है ना कि मैंने भेजा तो था लेकिन मेरा डिस्प्ले नहीं हुआ, या फिर मेरा कॉम्पिटिशन में आया नहीं, या फिर जो सेलेक्टेड हुए हैं उनसे तो अच्छा मेरा वर्क है, मैं क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ गलतियां जो होती है ना आप लोग करते हो जिसके कारण डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बार और अपडेट देता हूं मैं, और एक चीज मैं आपको हमेशा ही बोलूंगा, मैं इसलिए बोलूंगा ना कि जब भी कोई वीडियो आता है ना, जब भी कोई ट्यूटोरियल आता है, या जब भी कोई मोस्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो आती है ना, उसको पूरा देखा करो आप। देखो बहुत सारे लोगों ने क्या किया ना, कॉम्पिटिशन देखा, थंबनेल पे कॉम्पिटिशन देखा, रेफरेंस देखा और लग गए बनाने। पेपर कौन सा चाहिए, पेंसिल कौन सा चाहिए, वो सब ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और भेजना भी कैसे वो भी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पेपर जो है ना कोई भी साइज़ का हो सकता है। प्रिफरेबल जो है ना ब्रूस्टो का 200 GSM जिसमें मैंने बनाया वो रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, तो वो पेपर आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि ग्रेफाइट पेंसिल ही आपको यूज़ करना है, या आपके पास अप्सरा है या नटराज है या फिर आपके पास स्टेडलर है, कोई भी हो, लेकिन ग्रेफाइट पेंसिल ही यूज़ करना है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि चारकोल पेंसिल वगैरह यूज़ नहीं करना है, तो इस पर ध्यान देना। और दूसरी बात ये है ना कि आप जेल पेन वगैरह यूज़ कर सकते हो हाईलाइट के लिए, वो सब यूज़ कर सकते हो, और कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, ग्राफ मेथड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फ्री हैंड भी बना सकते हो। तो ये एक सिंपल कर दिया मैंने यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये कि अब मैं आपको बता दूँ कि कहाँ पे भेजना है, भेजना कहाँ पे, ड्रॉइंग बुक _by_अभिषेक, तो यहाँ पे भेजना है। तो ये चीज़ें आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा, जो कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ और लोग ध्यान नहीं देते, इसके कारण डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ, ये वीडियो बन रहा है इसलिए कि आप जो भेज रहे हो, जो डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो, आप ना सिर्फ इमेजेस डाल दे रहे हो बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, दैट्स इट। ये गलत है। अगर बहुत सारे लोग तो नाम भी लिख रहे हैं, एज भी लिख रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट में लिख रहे हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, जो क्लियरली मैंने आपको बताया था उस दिन जब मैं सैटरडे को आया था, कि आपको इमेज पे ही जैसे आप आर्टवर्क बनाओगे ना, उसमें आपका एज और नाम मेंशन करना है। अगर आप वो भूल गए हो, अगर नहीं लिखा है, तो जब आप क्लिक लेते हो तो डिजिटली आप वहाँ पे नाम और एज वहाँ पे लिख दो और भेज दो, सिंपल है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो एक सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। और ये बहुत सारे लोग बाद में बोलेंगे कि मैंने अपना आर्टवर्क भेजा था लेकिन आपने इंक्लूड नहीं किया, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा जो रिजल्ट आया है उससे अच्छा आर्टवर्क तो मेरा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ना हो, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले ही जाके, अगर आपने ऐसा कुछ किया है, आपने नाम मेंशन नहीं किया, एज मेंशन नहीं किया इमेज पे, तो आप वापस से जाइए, इमेज पे मेंशन कीजिए और वापस से भेजिए, क्योंकि 1 वीक का पूरा टाइम है। अगर आप कुछ गलतियाँ भी हो गई, किसी ने चारकोल पेंसिल से भी बना लिया, तो प्लीज़ जाके ग्रेफाइट पेंसिल से बना लो, क्योंकि अभी भी हमारे पास 1 वीक टाइम है और रिजल्ट आने में उसके 2 दिन बाद आने वाला है। तो प्लीज़ जाइए, यही एक इन्फॉर्मेशन देना था। और एक वाइटल इन्फॉर्मेशन ये है ना कि कभी भी कोई भी एक आर्टिस्ट है, क्रिएटर है, अगर कोई वीडियो बनाता है ना, तो इसको स्किप मत किया करो। कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में देनी होती है और कंप्लीट देखना होता है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज के बाद से जब भी कोई भी अगर वीडियो हो, ट्यूटोरियल हो, तो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आपके पास उतना प्रॉपर टाइम नहीं है ना, तो आप पूरा टाइम लो, जब आप फ्री हो जाओ तभी वो वीडियो जाके देखो, लेकिन कंप्लीट देखो। तो बस इसी के साथ गुड लक टू यू और आप लोगों को भी, और जितना हो सके आप शेयर कीजिए बाकी लोगों को भी। अगर किसी को कंपटीशन के बारे में नहीं पता है तो कंपटीशन के बारे में बताइए और सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि इसमें कैश प्राइज है और उन सबसे ज़्यादा कि लाखों हज़ारों लोग आपको देखेंगे, आपके आर्टवर्क देखेंगे, हो सकता है कि आपका इंटरव्यू भी आ जाएगा हमारे चैनल पर जैसे लास्ट टाइम हुआ था। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, तो बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।